गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 15 के 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके नेक्स्ट 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग द हाउस, यानी कि घर की साफ़ सफाई। कीपिंग द हाउस क्लीन इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल द पीपल हु लिव इन इट। इवन इफ वन ऑफ द मेंबर्स does not care, then the efforts of all others go in waste and a home becomes a mess. बच्चों, आपको पता है घर की साफ़ सफाई करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है? तो हमारे घर के जितने भी मेम्बर्स हैं, उन सब की ड्यूटी होती है कि वो घर की साफ़ सफाई रखे। अगर उसमें से एक भी मेम्बर घर की साफ़ सफाई नहीं करता है, तो बाकी मेम्बर्स की जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाती है और घर कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है। लेट अस कंसीडर हाउ टू कीप अ हाउस क्लीन। अब हम देखते हैं कि घर को कैसे साफ रखते हैं। पुट थिंग्स इन प्रॉपर प्लेसेस। जो भी चीज़ें बच्चों घर में इधर उधर पड़ी रहती है, उनको क्या करना चाहिए? प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए, यानी कि सही जगह पर रखना चाहिए। टू कीप द हाउस जम फ्री डिसइंफेक्टेंट्स शुड बी यूज्ड। बच्चों, घर को जर्म से बचाने के लिए क्या डालना चाहिए? कीटनाशक डालना चाहिए। कीप डस्टबिन इन एवरी रूम। सभी कमरों में क्या होने चाहिए? डस्टबिन रखना चाहिए। नो गार्बेज शुड बी थ्रोन हियर एंड देयर। गार्बेज मीन्स कचरा, कचरे को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। फिनाइल और अदर फ्लोर क्लीनर्स शुड बी यूज्ड। घर के फर्श को साफ करने के लिए क्या रखना चाहिए? फिनाइल और जो भी क्लीनर्स है उनको यूज़ करना चाहिए। टॉयलेट्स, वॉश बेसिन्स एंड बाथरूम शुड बी कैप्ट क्लीन। टॉयलेट्स, वॉश बेसिन और बाथरूम, ये सब कैसे होने चाहिए? क्लीन होने चाहिए, हमें इन्हें साफ रखना चाहिए। डोर मैट्स आर इम्पॉर्टेंट टू वाइप आर फीट। हमारे पैरों को पहुँचने के लिए डोर मैट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसीलिए इसे भी डोर मैट्स, यानी कि हर जो डोर है वहाँ पर लगाना चाहिए या रखना चाहिए। डस्टिंग ऑफ फर्नीचर एंड वॉल कॉर्नर्स मस्ट बी डन एवरी डे। हमारे घर में जो भी फर्नीचर रखा है या दीवारों के जो कॉर्नर है, उन्हें डेली साफ करना चाहिए। वायर मेशिंग एट डोर्स एंड विंडोज कीप्स द डस्ट एंड इंसेक्ट्स आउटसाइड। टू कीप अ हाउस क्लीन इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, देयर पेरेंट्स एंड अदर्स हु लिव इन द होम। इफ ईच वन ऑफ देम शेयर हिज और हर ड्यूटीज, देन अ होम बिकम अ स्वीट होम। बच्चों, अगर हम घर में साथ में मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और तो क्या होगा? हमारा घर कैसा होगा? साफ सुथरा रहेगा। तो हमारे घर के सभी मेंबर की ड्यूटी होती है कि वो अपने घर को साफ सुथरा रखे। नेक्स्ट पॉइंट है गार्बेज डिस्पोजल, यानी कि कचरे को हम कैसे डिस्पोज करते हैं। अ लॉट ऑफ गार्बेज कलेक्ट्स इन द हाउस एवरी डे। हमारे घर में रोज़ बहुत सारा कचरा हम कलेक्ट करके रखते हैं। मैनी पीपल हैव अ हैबिट टू थ्रो गार्बेज ऑन द रोड और पुट इट आउटसाइड देयर हाउसेज। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो कचरा रोड पर फेंक देते हैं या घर के बाहर फेंक देते हैं। इट इज़ अ हार्मफुल प्रैक्टिस। ये बहुत ही खतरनाक है। ऑल ऑफ अस आर वेल अवेयर द डोमेस्टिक गार्बेज इंक्लूड्स किचन वेस्ट सच इज फ्रूट एंड वेजिटेबल स्पील्स, लेफ्ट ओवर बाइट्स ऑफ फूड एंड अदर वेस्ट सच इज पेपर, प्लास्टिक बॉटल, ब्रोकन ग्लास एट्सेट्रा कीप टू कवर्ड बीन्स योर होम। बच्चों, हम सभी को क्या करना चाहिए? जो कचरा है उसे हमें, जैसे किचन में जो भी कचरा निकलता है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, और जो भी खाना हम छोड़ते हैं, इन सब को क्या करना चाहिए? इनके लिए दो डस्टबिन हमारे घर में होने चाहिए। एक होना चाहिए सूखे कचरे के लिए और एक होना चाहिए गीले कचरे के लिए। जिससे क्या होगा? सूखा कचरा एक डस्टबिन में हो जाएगा और गीला कचरा दूसरे डस्टबिन में, जिससे ज़्यादा गंदगी नहीं फैलेगी। पुट पेपर, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, लेफ्ट ओवर बाइट्स ऑफ फूड इन वन बिन,
glass pieces, plastic goods and other such items should be kept in the other bin. These two bins should be emptied at proper place. In cities, municipal corporation has garbage collection sites or they place two big bins at different places. शहरों में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम है, इनके पास कचरा कलेक्ट करने की साइट्स होती है और इन्होंने जगह जगह टू बिग बीन्स यानी कि डस्टबिन्स जगह जगह लगा रखे हैं। तो इससे क्या होना चाहिए, इसमें गीला कचरा अलग डालना चाहिए और सूखा कचरा अलग डालना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी सिटी साफ़ सुथरी रहेगी और हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ हाउस यानी कि घर का मेंटेनेंस रखना। अ हाउस नीड्स पीरियोडिक मेंटेनेंस, हमारे घर को समय समय पर मेंटेन करने की देखभाल की ज़रूरत होती है। बट समटाइम्स इंस्टेंट मेंटेनेंस बिकम्स एसेंशियल, लेकिन कभी कभी घर को तुरंत मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फॉलोइंग थिंग्स नीड रेगुलर मेंटेनेंस, जो नीचे लिखी चीज़ें इनको रेगुलर हमें मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि लीकिंग रूफ्स यानी कि जो छत होती है, छत से पानी टपकने लगता है तो उसकी हमें रिपेयरिंग तुरंत करानी पड़ती है। जाम्ड और क्रैकिंग विंडोज़ एंड डोर्स, जो हमारे खिड़की दरवाजे जाम हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, तो इनको भी हमें तुरंत ही मेंटेनेंस करना पड़ता है। क्रैक्ड प्लास्टर, जो दीवारें होती हैं उनसे सीमेंट झड़ने लगती है, तो इसका भी हमें तुरंत ही प्लास्टर करवाना पड़ता है। रेन शावर्स वेटिंग द रूम फ्लोर, जब बारिश होती है तो बारिश की जो बौछारें होती हैं वो हमारे घर के अंदर आ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, फर्श वगैरह गीला हो जाता है, तो इसलिए हमें घर का मेंटेनेंस करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेकोरेटिंग द हाउस यानी कि घर को सजाना। अपार्ट फ्रॉम कीपिंग आवर हाउस क्लीन, वी कैन मेक इट लुक अट्रैक्टिव विद द हेल्प ऑफ डेकोरेशन। घर की साफ़ सफाई तो हम करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा हम अपने घर को डेकोरेट करके और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वी कैन डेकोरेट आवर हाउस विथ वॉल पेंटिंग्स, शो पीसेस और फ्लावर पॉट्स। हम अपने घर को किन किन चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हैं, हम अपने घर की दीवारों पर पेंटिंग लगा सकते हैं, शो पीसेस रख सकते हैं, फ्लावर पॉट्स रख सकते हैं, इससे हमारा घर कैसा लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा। द वॉल्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स विथ मैचिंग कर्टेंस एंड लैम्प शेड्स। हम अपने घर की जो दीवारें हैं उन पे जो हम पेंट करते हैं उससे मैचिंग के हम कर्टन लगा सकते हैं यानी कि पर्दे लगा सकते हैं और लैम्प शेड रख सकते हैं। ब्यूटीफुल कर्टेंस एंड टेप स्ट्रे मेक द हाउस लुक प्लीजिंग। जो रंगीन पर्दे लगाते हैं हम अपने घर में और टेप स्ट्रे लगाते हैं, इससे क्या होता है, हमारा घर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। सम पीपल डेकोरेट द एंट्रेंस ऑफ देयर हाउस बाय मेकिंग अ कलरफुल डिज़ाइन कॉल्ड रंगोली ऑन द फ्लोर। कुछ लोग अपने घर के एंट्रेंस यानी कि जहाँ से घर के अंदर हम प्रवेश करते हैं वहाँ पर बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रंगोली, जो कहाँ बनती है, फर्श पर। चॉक, कलर्ड पाउडर, राइस पेस्ट और फ्लावर्स कैन बी यूज टू मेक रंगोली। रंगोली बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है, चॉक, कलर पाउडर यानी कि रंगीन कलर के जो पाउडर आते हैं बाज़ार में, राइस पेस्ट, चावल का पाउडर और फ्लावर्स, इन सब से रंगोली बनाई जाती है। पीपल यूजली मेक रंगोलीज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, अक्सर लोग कब बनाते हैं रंगोली, जब कोई त्यौहार होता है। तोरंस आर ऑल्सो यूज टू डेकोरेट द मेन एंट्रेंस ऑफ द होम। जब फेस्टिवल होता है तो हम अपने घर के द्वार पर या ऊपर साइड में हम क्या टांगते हैं, तोरण, जो किसके बने होते हैं, पत्तों के, और आजकल तो बने बनाए आते हैं मार्केट में, तो आप खरीद के लगाते हो ना अपने घर में। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है और विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में पढ़ा, कुछ अनुपयोगी घरों के बारे में भी पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि जब हम साथ में घर में रहते हैं तो हम क्या क्या सीखते हैं, घर की साफ़ सफाई हम कैसे करते हैं, घर को मेंटेनेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम अपने घर को कैसे सजा कर रख सकते हैं।
आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके, थैंक यू. बी हैप्पी, बी सेफ.